कंप्यूटर के ज़रिए बेसुरा भी शुरू में आ जाता है। वेलकम बैक नाजरीन हसन जान वासी यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ मौजूद है उस्ताद रफीक बलोच साहब। अभी इन्होंने आपके सामने सीमी क्लासिकल लाइट क्लासिकल आपको सुनाया मना डे साहब की क्या आवाज़ में, जो फिल्म का नाम था झंगल झंगल पायल बाशे, है ना जी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं उस्ताद जी के ठुमरी हसन और प्योर क्लासिकल में मिसाल के तौर पर अगर हम ठुमरी, जाहिर सी बात होगी तो वो ठुमरी भी अगर होगी तो प्योर राग में होगी, प्योर क्लासिकल में कहलाएगी। अब ये जो आपने भी सुनाया में ये कहलाएगा सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, प्योर क्लासिकल नहीं क्या बिल्कुल कहलाएगा। तो आप हमें बताएं जरा ठुमरी के बारे में कुछ। हाँ, ठुमरी क्या है? जो है जैसे ये गायकी में इनके नाम है और इसी तरह ये हैं क्लासिकल के ही शाख है, मकसद क्लासिकल से निकले हुए ठुमरी है, गज़ल है, गीत है, तो लाइट क्लासिकल है, ख्याल है, ये सारे क्लासिकल से ही निकले हुए। और ठुमरी में जो है हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत महान आवाज़ और महान फनकार उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ान जैसे, उन्होंने बहुत सारे ठुमरियाँ जो है वो गाए, याद पिया किया है, ठीक है ना, याद पिया की आए, ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के गाए हुए हैं ना। बल मां कदर नहीं जाने, क्या बात है, ओ मोरा प्यारा बल मां कदर नहीं जाने, बल मां कदर नहीं जान। तो ये ठुमरी में जो है अजान हो रही है। अच्छा सुनता हूँ, ये बताइए आपकी जो साथ से आपने तालीम हासिल की, कितना अर्सा आपने तालीम हासिल की जो इतनी कमांड हुई, और जब लोग तो आज भी सीख रहे हैं लेकिन आज भी साथ अपने आप को नहीं समझते, वो गाय एक इसलिए कि जो है इसका किनारा है नहीं संगीत का, कोई हद है नहीं, और हर चीज जो है वो एक पूरा हद है ना। मैं आपको बताऊं कि मैं ग्वालियर घराने का शागिर्द हूँ। ग्वालियर घराना जो है एक बहुत बड़ा घराना है, उस्ताद ब्राह्मण अली खान और उनके बेटे उस्ताद मुबारक अली खान, मुबारक अली खान के बेटे उस्ताद कुदरतुल्ला खान और ग़ुलाम दस्तगीर खान। तो ग़ुलाम दस्तगीर खान जो है वो मेरे दादा उस्ताद हैं, और मेरे उस्ताद हैं उस्ताद सालेम अहमद सवाली, और मैं जो है उनका शागिर्द हूँ। और ग्वालियर घराना जो है हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में अस्थाई अंतरा बनाने में बहुत माहिर है, और स्पेशल जो है इस चीज़ में उनको कमान हासिल है। और हमारे ग्वालियर घराने में उस्ताद जफर अली खान गज़ल गायकी में अपनी मिसाल आप हैं, महमूद अली खान जो है अभी हमारे पाकिस्तान आर्ट काउंसिल में यहाँ सिखाते हैं, तो ये हमारे उस्ताद घराना है। और अभी तक हम सीख रहे हैं सर, क्योंकि संगीत का तो कोई है नहीं, लेकिन हमारे उस्ताद क्लासिकल आदमी थे, वो ख्याल गायकी जो है ख्याल गायकी करते थे, मसलन 48 मात्रे में, 24 मात्रे में, ये कारीगरी वाला काम था सर, ये बहुत कारीगरी वाला काम। तो वो 48 का मतलब है कि एक ताला, एक ताला चार दम का अगर हो गया चार दम का जो है
वो तीन ताल अगर चार दम की होगी तो वो 64 मात्रे होंगे, 128 मात्रे। हाँ, सब चार मात्रे, चार दम का बिल्कुल 64 मात्रे होंगे। तो इसी तरह से 14 मात्रे या 12 मात्रे, 13 मात्रे, मसलन इस तरह के जो है वो उनका। और अब इस चीज़ में ये है कि 20-25 साल तो आदमी को समझ आने में लग जाता है कि किसी चीज़ में मैं किसी मंजिल पे कहाँ पहुँच गया हूँ। लेकिन मेरा संगीत जो है वो बहुत दूर है उसकी, लेकिन इंसान का समझ मूड जो है वो काम करने लग जाता है 20-25 साल में, के ख्याल गायकी को किस तरह गाते हैं, किस तरह उनको करते हैं। क्योंकि ख्याल गायकी जो है, मैं ये समझता हूँ कि संगीत में महराज है ख्याल गायकी की है बिल्कुल, क्योंकि उससे जो है वो ये आखिरी जो है वो काम है। और इस तरह से बहुत सारे गायकी के अंदाज हैं और गाते हैं लोग, लेकिन बहरहाल हम थोड़ा बहुत जो अपने उस्तादों से सीखे हैं और ये उस्तादों की दुआएं हैं, ऐसे हमें कोई खास तो नहीं आता है, लेकिन कोशिश करते हैं और अल्लाह तबारक ताला जो है हमारे काम में बरकत डाल देता है। बाकी हम कोई काबिल नहीं है, इतने बड़े बड़े उस्ताद हैं, बड़े बड़े कमसाब हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े गायक हैं। देखें, एक हिंदुस्तान में एक लेडीज गायक है कौशली चक्रवर्ती, कौशली चक्रवर्ती बिल्कुल उस्ताद राशिद अली खान जो है पटियाला घराने से उनका ताल्लुक है। तो मेरा बहुत बड़े बड़े उस्ताद फनकार मौजूद हैं, बड़े बड़े गायक हैं। सर आपने भी नाम लिया राशिद अली खान साहब का, मेरे सुना और वो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी उनकी। और अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी सर, वहाँ की तानों में यहाँ की तानों में मुझे थोड़ा सा फर्क लगा है। इसमें ये है कि देखो, असल में हिंदुस्तान में जो काम भी करते हैं ना, वो कायदे और कानून से करते हैं। कायदे देखो हाथ में हथा है उनका, एक मीज़ान बना हुआ। लेकिन पाकिस्तान में भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े गायक हैं, बहुत मसलन कुछ तो हमारे दरमियान मौजूद है, कुछ गुजर गए और अच्छे गायक हैं, अच्छे लोग हैं, खानदानी लोग हैं, बहुत सारे उस्ताद हैं और अच्छा काम करते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि हिंदुस्तान जो है ना, उसके बारे में एक बात मशहूर है, हिंदुस्तान घर घर काम। वाह 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 वाह, अरे वाह जी वाह, हिंदुस्तान घर घर काम। तो वहाँ पर जो है संगीत वहाँ से जो है पैदा होता है, वहाँ से परवान चढ़ा है। और बाकी इलाकों में, बाकी हमारे पाकिस्तान में और नेपाल में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, ये हमारे जनूबी एशिया है और एशिया के और ममालिक हैं, वहाँ तक जो शास्त्रीय संगीत है वो मेरा यही है। और मेरा मैसेज नौजवानों के लिए है, जो नए इस काम को करना है, मेहनत करें लगन से, इश्क से, संगीत से इश्क करें, तो थोड़ा बहुत इंसान के समझ में आने लगे। आपकी समझ में कब आया, जब एक तो होता ना सर, पुराने जो असातिज़ा थे वो क्या करते थे कि अगर कोई तबला लेने गया है, तबला सीखने गया है, तो वो कहते थे मियाँ पानी भर के लाओ, बस दादा किए जा। तो वो कहते थे यार मुझे दादा में लगा दिया, या किसी गवाही को कह दिया तो गाना सीख दिया, कह दी थी क्या कहते आ करो बस, उससे आगे कुछ नहीं। क्योंकि वो एक जब आ खुली, उसके बाद जब उनको रास खुला तो पता चला उनको पूरा उस्ताद उनके बैठा हुआ था। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताऊँ, मेरे उस्ताद ने, मैं जब सीखने के लिए गया तो उन्होंने मुझे तबले पर बिठाया, मुझे कहा भाई तुम ये, मैंने कहा उस्ताद मैं गाना सीखने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आपको तीन ताल सीखना है, तीन ताल 16 मात्रे का ताल है, और मुझे 3 साल लगे तीन ताल को सीधा करने में, कि मैं सीधा तरीके से जो है तीन ताल में पढ़ूँ। एक ताला है, तीन ताल है, कुमार है, बड़ी जमाल है, ये सारे क्लासिकल ताल हैं, अपना ये ताल है, बहुत सारे मकसद
साथ है, बिल्कुल जब काल है, जब काल है। कहने का मकसद ये है कि तीन ताल जो है वो सब तालों की माँ है। अगर आपने तीन ताल सीख लिया, वो सीधा हो गया, तो बाकी बहुत सारे ताल आपके सीधे हो जाएंगे। और इसमें क्योंकि अगर हम सारे गामा पादा निशा करते हैं तो वो भी तीन ताल में, अरे गामा पादा निशा अब इसको तीन ताल में जाएगा, दिन दिन ना दा दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना दा दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना। ये सारे हर चीज जो है वो मीजान में और ले में ताल में। ठीक है असल साहब जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और बड़ा अच्छा क्या कहते लगा रहा। ये थोड़ी मुख्तसर गुफ्तगू है, अभी हम एक सेशन करेंगे इनकी अकेडमी में जाके से बात करेंगे, उनको भी सुनेंगे और उनको देखेंगे हमारे वहाँ हैं रफी उस्ताद की मुरादा फरमाएँ और उनके फन में और ऐसे ये लोग छुपाते हैं लेकिन बताने से बढ़ जाता है, उसको छुपाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ लोग इल्म को छुपा देते इसलिए वो खुद भी छुप जाते। और फिर आज जो ये जिस नहज पर अभी हमारे यहाँ क्लासिकल जो है पहुँच चुका है, उसकी एक वजह ये भी है, ये वजह है बताया नहीं, छुपाया गया ना, छुपाया गया है तो क्या हुआ उसका। देखिए एक चीज बाहर देने से ना बढ़ती है ना, क्या वो छुपाने से वो कम होती चली गई, इतनी कम हो गई कि आज बिल्कुल एंड पर आ गए। बिल्कुल, मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि मौला अली हजरत अली जो है ना उनका कॉल है कि इल्म जो है एक ऐसा चीज है जो बताने से खर्च करने से और बढ़ जाता है। सही, पैसे खर्च करने से घट जाते, इल्म जो है खर्च करने से बढ़ जाता है। तो इसलिए ये हमारे बुजुर्गों के जो है ना, हमारे जो उस्ताद हैं बड़े बड़े, मैं इन चीज़ में किसी को वो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा लगन वो इस फिल्म को आम करते क्लासिकल आज सारे बच्चे गा रहे हो। तो बिल्कुल आज सारे बच्चे गा रहे, मुश्किल भी कह दिए गए, मुश्किल कह दिए गए, मुश्किल कह दिए, आते नहीं है ना। बिल्कुल सर, मैं बहुत मुश्किल, मुझे 20 साल लगे तीन ताल में और एक ताले में गाने के लिए। अगर उस्ताद चाहते तो वहाँ हिंदुस्तान में देखें आप 8-8, 10-10 साल के बच्चे कैसा गा गा रहे हो, कान पलटा कर। अब ये कान जो है ये गले में बड़े मुश्किल से मिलता, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान घर घर कान है, वहाँ पर जो है एक जादू जो लगाने वाला है ना, सफाई करता है, वो भी सुरीला आपको मिलेगा, वो भी सुरताल में मिलेगा। तो इसकी वजह ये कि उन्होंने संगीत को जो है ना अपने तालीमी निसाब में हर चीज में संगीत नहीं। बिल्कुल आप बात दुरुस्त है कि अगर इल्म बांट रहे होते बट रहा होता तो आज वही आज हमारे लिए भी कहा था कि पाकिस्तान घर घर में काम। लेकिन क्या कह सकते हैं, लेकिन बड़ा मजा आया आपकी गुफ्तगू का और यकीन जानी कि मेरा तो मन कर रहा कि मैं आपसे और गुफ्तगू करूँ। तो नाज़रीन मुझे और रफीक बलोच साहब को दीजिए इजाज़त, देखते रहिएगा हसन जान वार से कथा वाचिंग चैनल एच एन एम एच डॉट कॉम। आपका बहुत ख्याल रखिएगा मुझे और अल्लाह हाफिज़।